अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मीट माफिया हाजी याकूब के काले कारनामों से सारा शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश भी वाकिफ है, लेकिन अब उसके समधी नूर इलाही की गुंडागर्दी की भी सारी पोल पट्टियां उस वक्त खुल गई जब एसएसपी कार्यालय पहुंचे आमिर नाम के युवक ने उस पर गंभीर आरोप लगाए। आमिर ने हंटर वाली आसमा के ससुर नूर इलाही पर लगभग 19.5 लाख रुपए दुकान के नाम पर लेने और रजिस्ट्री ना करने का आरोप लगाया है। वहीं जब आमिर उनसे पैसे वापस मांगता है या फिर दुकान मांगता है तो वह शहर में अपने गुंडाराज होने का दावा करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। अब याकूब पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके समधी का वर्चस्व व गुंडागर्दी आज भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के माफियाओं पर कसे जा रहे शिकंजों को देखकर तो लगता है नूर इलाही की काली करतूतों पर भी जल्द ही लगाम लगेगी। सुनिए पीड़ित आमिर ने फर्स्ट बाइट टीवी को इस बारे में क्या जानकारी दी। सर, मेरा नाम आमिर है। एक्चुअली मेरे एक साल से पिछले एक साल हो गया मैं चक्कर काट रहा हूँ लगातार उनके। मेरा कुछ मामला चल रहा था प्रॉपर्टी का, उनसे मैंने एक शॉप ली थी लिसाड़ी गेट चौपले मंदिर के बराबर में, और एक साल से मुझे रोज़ डेली कल का वादा कर रहे थे। रोज़ डेली मैं रोज़ जा रहा था और मुझे इस चीज़ के अंधेरे में रखा था। मैं बस मुझे आश्वासन दिला रहे थे कि आपका काम कल हो जाएगा, लेकिन रोज़ करते करते अभी पिछले महीने में लास्ट टाइम उनके पास गया, उन्होंने रमज़ान का एक्सक्यूज़ करके कि ईद के बाद तेरा काम करा दूँगा, और मेरा लगातार कुछ भी काम नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। असल में लोग ये हैं, हाजी नूर इलाही नाम है, जैसे सद्दीक नगर में रहते हैं और हाजी याकूब के समधी साहब हैं, तो उसकी थोड़ी सी मुझे थ्रेट वगैरह मिलती रहती है। कहते हैं कि हम बाबूल लोग जो चाहो वो खा लो, कुछ नहीं करने का। और मेरे पास सारा एविडेंस है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की है, सारा कैश वैश सारा एविडेंस के साथ मेरा है। और यहाँ तक कि अभी लास्ट टाइम बेनामे की सारे इन्होंने स्टैम्प वगैरह पर साइन कर दिए हैं सारा कुछ, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कर रहे और परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ कह रहे हैं कि जो तेरे से कि हम नेता लोग हैं मंत्री के उनसे हैं, बस इस चीज़ की धमकी आ रही है मेरे को। सर यही लोग देते हैं, हाजी नूर इलाही इसके पोते वगैरह देते हैं मेरे को। कौन सी बेटी है हाजी याकूब की? हाँ जी, कौन सी बेटी की शादी हुई है? संधि जो है कौन सी बेटी की? अभी उनकी डेथ हो गई थी, शादाब जो है आशमा उनकी बेटी है। कौन है आशमा? ये कोई विवादित विवादन का मामला? हाजी याकूब की बेटी है, स्कूल बट ये एक्चुअली नूर इलाही जो है शादाब के पापा स्कूल में भी गई थी, कभी सुना हो कभी स्कूल में गई थी, क्या था मामला हुआ? स्कूल में गई थी, स्कूल में जाकर उन्होंने कुछ करा था मामला? हाँ, हंटर वंटर के नाम से शायद आई थिंक फेमस है वो, बट असल में ये लोग ने बस परेशान किया हुआ है काफ़ी, नूर इलाही ने इतना परेशान किया हुआ है। मैं रोज़ डेली आश्वासन में रहा, एक साल हो गया आज मेरा, और कुछ भी मेरा सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आज मैं मदद मांगना चाहता हूँ मीडिया से, इसके दौरान मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान किया हुआ इन लोगों ने। कप्तान साहब ने ये बोला है कि इसकी जांच करेंगे हम, सी ऑफिस आपके पास आएगी, इसकी रिपोर्ट आप देखिए क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।